दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड की, जिसे आप हर जगह यूज करते हो। और कीबोर्ड हर जगह अपना अलग रोल भी प्ले करता है। और अगर हम कंप्यूटर लाइन से जुड़े किसी भी वर्कों को करने के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू में भी ये सवाल हमसे काफी बार पूछा जाता है कि आप कीबोर्ड यूज करते हो और कीबोर्ड में आपकी क्या टाइपिंग है, क्या आपकी टाइपिंग स्पीड है। उसी के बिहाव पर हमें जॉब प्लेसमेंट दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि जो कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड कैसे बना, और फर्स्ट कीबोर्ड का नाम क्या था, किसने बनाया, और इसमें जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, वो सीरियल वाइज क्यों नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है मोहित, स्वागत है आपका टेक्नो मोहित में। दोस्तों आज हम जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम है क्वेरिटी। क्वेरिटी जिसे क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने 1868 में बनाया था, और इस कीबोर्ड का नाम क्वेरिटी कीबोर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट QWERTY से रखा गया है। क्रिस्टोफर न्यू चैनल में एक अच्छे संपादक थे। उन्होंने इसे इस लॉजिक से बनाया था कि जो कीज ज़्यादा यूज होती हैं उनको एक साथ रखा था, जिससे कि हमारे फिंगर उनके ऊपर जल्दी से चले जाए और हम इजीली अपनी टाइपिंग कर ले और टाइपिंग में स्पीड हो, इसीलिए उसे क्रिएट किया गया था। और जिन कीज़ का कम यूज़ होता है, जैसे कि जेड, क्यू, एक्स एटेस्ट्रा, उनको अलग जगह कॉर्नर पे कीबोर्ड की रखा गया। इससे पहले भी टाइपराइटर में कीज अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज लगाए गए थे, और जिससे कि वो कीबोर्ड ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी सारे अल्फाबेट एक साथ होने की वजह से कीज आपस में अटक जाती थी, जिसमें कि बैक स्पेस का ऑप्शन भी नहीं था। तो अगर एक बार गलत टाइप हो जाए तो फिर दोबारा उस डॉक्यूमेंट को टाइप करना पड़ता था, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब से क्वेरिटी कीबोर्ड बना तब से हम इसे आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि इसने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। इससे हमारी टाइपिंग अच्छी होती है और इसी के साथ हमें हैबिट भी हो चुकी है। हालांकि बाद में ये सोचकर कि क्वेरिटी कीबोर्ड से भी डेवलप और इजियर कीबोर्ड बन सकता है, जिसके थ्रू हम अपनी टाइपिंग स्किल बढ़ा सकते हैं और टाइपिंग में स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये सोचकर एक कीबोर्ड बनाया गया जिसका नाम था डवरक, जिसमें कि जो हमारे इंग्लिश के वोवेल्स होते हैं उनको एक साथ अरेंज कराया गया, और जो कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं उन्हें मिडिल रो में लगा दिया गया। इससे हुआ ये कि जो हमारी मोस्टली यूज कीज होती हैं वो सब मिडिल में फिक्स हो गई थी, जिससे हमारी फिंगर्स जल्दी से मूवमेंट नहीं कर पा रही थी और हमारी फिंगर उन पे सेट नहीं हो पा रही थी, जिससे हमारी टाइपिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी और वो क्वालिटी से भी हल्का चल रहा था, और इसको चलाने में डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ रहा था। और ये इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले क्वालिटी कीबोर्ड आ चुका था जिसके ऊपर हमारी फिंगर सेट हो चुकी थी और हमें उसके हैबिट हो चुकी थी, तो इसलिए भी डायरेक्ट कीबोर्ड ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ और आज तक क्वालिटी कीबोर्ड ही चलते आ रहा है। अगर कोई डायरेक्ट का यूज़ करना भी चाहता था तो हर जगह क्वालिटी कीबोर्ड ही आने लगे थे, जहाँ हर जगह क्वालिटी का ही यूज़ भी ज़्यादा होने लगा था और सभी को इसकी हैबिट हो गई थी, इसीलिए डायरेक्ट को यूज़ करना बहुत टफ फील होता था, तो इसीलिए वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। और दोस्तों जो हमारे कीबोर्ड में हमें शिफ्ट की मिलती है वो पुराने टाइम के टाइपराइटर से ही यूज में लाया गया है, जो कि अल्फाबेट को कैपिटल से स्मॉल में एंड स्मॉल से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कराने के लिए यूज किया जाता था, और आज भी इसका यही यूज होता है। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि जो क्वेरिटी कीबोर्ड हम यूज करते हैं, इस कीबोर्ड में जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो इस तरीके से अरेंज क्यों हैं, सारे अल्फाबेट आगे पीछे क्यों रखे गए हैं। तो दोस्तों वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जितने भी कीज कीबोर्ड में होती हैं, हम जितने भी वोवेल्स यूज़ करते हैं उन वोवेल्स को अलग अलग रखा गया है, जिसके थ्रू हम अगर कुछ भी काम करें तो हमारा फिंगर उन पर जल्दी मूव करे और हम फास्ट टाइपिंग कर पाए, तो इसीलिए इस तरीके का ये लेआउट क्रिएट किया गया था। और क्वेरिटी का यही लेआउट सक्सेस भी हुआ, और जो कि डायरेक्ट से बेटर यूज़ किया जाता है और बेटर भी साबित हुआ है। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि क्वेरिटी कीबोर्ड आया है लेकिन इससे डेवलप कीबोर्ड भी आना चाहिए, या फिर इससे भी डेवलप कीबोर्ड होना चाहिए था, अब क्योंकि हमें क्वेरिटी के साथ थोड़ा बहुत आदत सी हो चुकी है तो इसलिए हम इसका यूज़ भी कर रहे हैं। हो सकता है कि इससे बेटर कीबोर्ड भी आ सकता है, लेकिन जब अब सभी को काम मिल ही रहा है हाथों पे, अब वो क्वेरिटी का यूज़ कर ही रहे हैं, उसे सही स्पीड आ रही है, तो कौन इस पर टाइम वेस्ट करेगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर इस पर एक्सपेरिमेंट किए जाएँ और इससे भी बेटर कीबोर्ड लाया जाए, तो वो तो इन फ्यूचर की बात है,
फिलहाल हम क्वेरिटी का यूज कर रहे हैं और क्वेरिटी हमारे लिए बेस्ट कीबोर्ड बना है और क्वेरिटी ही आज तक चलते आ रहा है। क्वेरिटी हमारा फर्स्ट कीबोर्ड है और हम इसका यूज करते आ रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।